बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था बिटवीन किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है और इन को किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है MySQL में अपने डेटा को फेच करने के लिए, डेटा निकालने के लिए डेटाबेस से। यहाँ पे यदि इन दोनों को प्रयोग करना पड़े तो किस प्रकार से किया जा सकता है उसकी जानकारी हम लेने वाले हैं। यदि आप यहाँ देखें तो हमने यहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है बिटवीन के साथ और इन का प्रयोग करते हुए। यहाँ पे असल में हमने दो अलग अलग सेगमेंट पे कंडीशन इम्प्लीमेंट किया है जिसके बेस पे हमने इन्फॉर्मेशन निकाला है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले यदि आप देखें तो ये क्वेरी बिल्कुल नॉर्मल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल, हमें सेल से रिकॉर्ड चाहिए, वेयर टोटल सेल बिटवीन 2000 एंड 3000। सेल हमें वो चाहिए जिसमें 2000 से 3000 के बीच में सेल आ रही है। परंतु इसके साथ हमने एक कंडीशन और स्पेसिफाई की है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमने एंड का प्रयोग किया है, एंड नोट स्टेट इन। तो हमने यहाँ इन को भी प्रयोग किया है बिटवीन के साथ। अब नोट स्टेट इन में हमने ये डिफाइन किया है कि इस केस में आप हरियाणा और पंजाब को छोड़ दीजिए और बाकी सारी सेल जो 2000 से 3000 के बीच में है उसको शो कीजिए। तो इस तरह से हमने दो कंडीशंस को प्रयोग किया है, एक टोटल सेल के साथ बिटवीन जिसमें 2000 से 3000 के बीच में हमें इंफॉर्मेशन दिखाई जाए सेल में, और एक इन के साथ हरियाणा पंजाब को छोड़कर। आइए देखते हैं हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में इसको किस प्रकार से करेंगे। इसके लिए हमारे पास लास्ट सेशन में जो फाइल है बिटवीन इन MySQL उसी का प्रयोग किया गया है। अब देखेंगे यहाँ सेल टेबल क्रिएट करेंगे पहले हम, फिर उसमें डेटा फीड करेंगे इंसर्ट से। उसके पश्चात आपके पास यहाँ पे सबसे लास्ट में क्वेरी है, क्योंकि बाकी तीन क्वेरीज हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। अगर आपने वेयर और इन की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप पिछला सेशन ज़रूर देख लें। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इन दोनों की क्वेरीज मिला के, जिसमें हम बिटवीन और इन की बात करेंगे। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये फाइल्स आपके पास पेन ड्राइव या DVD में उपलब्ध है, अगर आपने DVD के माध्यम से या पेन ड्राइव के माध्यम से ट्रेनिंग को प्राप्त किया है। और यदि आपके पास नहीं है तो भी आप हमारी वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखते हैं, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे यदि आप देखें तो सेल टेबल मेरे पास पहले से है, पुराने वाली विंडो क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है जिसमें बिल नंबर है, डीलर नेम है, प्रोडक्ट नेम है, स्टेट है, सेल है, टोटल ये सारी जानकारी यहाँ पे है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ सेल जो है वो 2000 से 3000 के बीच में जो है वो दिखाई जाए, और जो स्टेट है हरियाणा पंजाब को छोड़ दिया जाए, बाकी की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाए। तो ऐसे केस में मैं किस तरह से इसकी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकता हूँ, इसके लिए सबसे पहले मैं SQL पे आ जाता हूँ यहाँ पे, और पुरानी क्वेरी को डिलीट करके कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप इस क्वेरी को ध्यान से देखें तो पहली लाइन नॉर्मल है, सेल से हमें इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना है, वेयर ग्राउंडेड ब्रैकेट्स में मैंने कंडीशन पहली स्पेसिफाई की है बिटवीन के साथ, टोटल सेल बिटवीन 2000 3000। इस सेल को मुझे शो करना है 2000 से 3000 वाली को। परंतु इसके साथ साथ एक और कंडीशन हमने स्पेसिफाई कर दी है, सबसे पहले एंड का प्रयोग करके, उसके पश्चात नोट स्टेट इन, हमें हरियाणा पंजाब को छोड़ना है और बाकी सभी स्टेट्स का इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेना है। जैसे ही गो करूँगा यहाँ पे मैं, आप देखेंगे कि एक रिकॉर्ड आपके पास आ गया है जिसमें बिहार की इन्फॉर्मेशन है 2300 रुपीज़ की, और इसमें आपके पास हरियाणा पंजाब को छोड़ दिया गया है। तो इस तरह से आप बिटवीन और इन का इकट्ठा प्रयोग भी कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटाबेस से डिफरेंट क्वेरीज को। अगले सेशन में हम लाइक की बात करने वाले हैं, लाइक ऑपरेटर का प्रयोग हम करना सीखेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम आसानी से लाइक के साथ इन्फॉर्मेशन को सर्च कर पाएंगे वाइल्ड कार्ड के आधार पे। धन्यवाद।